गाइस लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर राइट्स। अच्छा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर व्हाट डिड वी डू यस्टरडे इन दिस क्लास एक बार यू नो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन यस्टरडेस क्लास। ठीक है, तो हमने सर्कल स्टार्ट किया है, ठीक है, और हमने चार फॉर्म्स पढ़े सर्कल्स के। वी हैव डिस्कस्ड फोर फॉर्म्स ऑफ सर्कल्स राइट। ओके फाइन, तो इसमें क्या है कि उसमें दो फॉर्म्स में यू नो दो फॉर्म्स में वी फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल राइट, और बाकी के दो फॉर्म्स में इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी गिवन टू अस, वी नीड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू सी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हाट डू वी नीड, सेंटर एंड रेडियस। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट शुड कम टू योर माइंड यू नो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल वी नीड सेंटर एंड वी नीड रेडियस। तो हम सेंटर को कंसिडर करते हैं h, k, एंड रेडियस को कंसिडर करते हैं r, सिंपल। देन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हो गया सेंटर रेडियस फॉर्म। और ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, यूनिक सर्कल है वो, है ना। तो ये हो गया सेंटर रेडियस फॉर्म। नेक्स्ट वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, अच्छा तो क्या है बेसिकली, फाइन, अच्छा यहाँ एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई क्या है, व्हाट इज व्हाट आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। रिमेंबर ये लोकस का इक्वेशन है, लोकस कौन है, जो सारे पॉइंट्स का लोकस, जैसे कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 होता है, इसमें x और y फिक्स नहीं है। व्हाट आर x एंड y हियर, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, हियर x एंड y इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। नाउ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट वे अदर देन दिस इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ थर्ड वेरिएबल व्हिच इज थीटा, है ना, अ थर्ड वेरिएबल व्हिच इज थीटा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x कैन बी रिटन एज r cos थीटा, रिमेंबर, and y can be written as r sin theta, isn't it? x is r cos theta, y is r sin theta. अच्छा, इसमें हमने any point on the circle को ऐसे भी represent किया जा सकता है, where theta is parameter. Since we have introduced a third variable here, इसको हमने नाम दिया है प्यार मैजिक फॉर्म, right? Standard form, center radius form, parametric form. अच्छा, ये parametric form है जब center origin पर होता। अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं होता, कोई पॉइंट पर है, h, k पर है, then what would be parametric form of circle? x is equal to h plus r cos theta and y is equal to yes k plus r sin theta. Now remember h, k is center, r is radius, cos of sine का position, और theta parameter है, theta fixed है क्या? नहीं, theta fixed नहीं है, है ना, theta variable है। लेकिन ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन सिर्फ सर्कल को नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो रिमेंबर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास दो कंडीशंस है, फटाफट, व्हाट आर दोस कंडीशंस, एग्जैक्ट, h 0 माने कोएफिशिएंट ऑफ x y 0, सिंपल, ओके, एंड एग्जैक्टली a इज इक्वल टू b माने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू coefficient of y square, simple, that's as simple as that. Now using these conditions इसको हमने थोड़ा बहुत खूबसूरत बनाया, कैसे, a और b को हमने 1 ले लिया, या अगर 1 नहीं भी होता तो हमने क्या किया, a से डिवाइड किया, जैसा मान लो, है ना, बट एनीवे इमेजिन कि हमने a और b इक्वल है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है, और x 0 माने ये बनेगा x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, isn't it? अच्छा, तो जब आप किसी भी सर्कल का जैसे कि सेंटर रेडियस फॉर्म को एक्सपैंड करोगे तो आपके इक्वेशन ऐसे दिखता है, राइट, सिंपल। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल पड़ा है, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल है अपने पास,
अच्छा तो सेंटर कैसे निकालोगे और रेडियस कैसे निकालोगे? सेंटर का क्या फॉर्मूला था? सिंपली माइनस जी माइनस एफ, एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट का आधा का हाफ, आधा का नेगेटिव है ना, नेगेटिव ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा रेडियस का क्या फॉर्मूला था? रूट ओवर, दैट्स सिंपल। बट रिमेंबर बिफोर यू फाइंड सेंटर रेडियस मेक श्योर कि आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स आर 1, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये सब हम कल वाला क्लास में कर चुके ऑलरेडी, इजंट इट? अच्छा नाउ इसके बाद हमने एक और इस पे भी बात की है कि ये देखो कभी कभी बात हो सकता है कि ये जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी जीरो हो जाए और नेगेटिव हो जाए, तो दैट इज वेयर वी डिस्कस नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल इसमें देखो जैसे हम पहले करते थे डिस्क्रिमिनेंट, सेम फंडा हियर आल्सो, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो व्हाट डू यू से सर्कल इज, हम बोलते हैं सर्कल रियल सर्कल है करके, इक्वल टू जीरो हो गया तो पॉइंट सर्कल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो हम बोलते हैं कि ये सर्कल ही नहीं है, दिस इज नॉट इवन अ सर्कल है ना। माने ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, अगर आपके पास कोई जनरल इक्वेशन है माने सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इमीडिएटली मेक श्योर कि योर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कुछ कुछ क्वेश्चंस में दे ओनली कंसीडर ग्रेटर देन जीरो, कुछ कुछ क्वेश्चंस में दे कंसीडर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है चलो आते हैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, राइट। बट अल्टीमेटली इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द ईओसी इक्वेशन ऑफ सर्कल, यू शुड ऑलवेज बी आस्किंग योरसेल्फ कि डू वी हैव सेंटर एंड डू वी हैव रेडियस है ना। ये क्वेश्चंस, ये सवाल आपको कुछ पूछना होगा है ना। अच्छा एनीवे एक सिंपल सा क्वेश्चन टू स्टार्ट ऑफ विथ है ना टुडेस क्लास, राइट ऑन, फाइंड नेचर ऑफ सर्कल।